कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे ये उसका और व्यापक विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी सुदूर पश्चिम में, कच्छ के रेगिस्तान में, अबड़ासा में, गुजरात की सभी सीटें जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। इन दिनों दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव हुआ, जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे लद्दाख में, उसी प्रकार से दीव दमन और सेलवास में भी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार हो गया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम दो सीट पर थे, दो, और दो कमरों से पार्टी चला करती थी, आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसका उत्तर कल जो नतीजे आए हैं उसी में मिल जाता है। साथियों, भारत के लोग, 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं, अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। हर राजनीतिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है कि देश के लिए काम करो, देश के काम से मतलब रखो। कल जो नतीजे आए उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 2400 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। देश की जनता आपकी मेहनत को देख रही है, आपकी तपस्या को देख रही है, आपकी नीयत को देख रही है, और इसलिए चुनाव के समय बिना किसी भ्रम में पड़े जनता जनार्दन आपको वोट कठिनाई को बीच भी घर से निकल करके दे करके आती है। कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी में
देश की राजनीति का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। साथियों, हमारे यहां ये भी कई बार कहा जाता है कि बैंक खाते, गैस कनेक्शन, घर, स्वरोजगार के लिए सुविधाएं, अच्छी सड़कें, अच्छे रेलवे, रेलवे स्टेशन, बेहतर हवाई अड्डे, नदियों पर बनते आधुनिक पुल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसे मुद्दे चुनाव में अहमियत नहीं रखते हैं। सुना होगा आपने ऐसा। जनता ऐसे लोगों को बार बार ये कह रही है कि असली मुद्दे यही है। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। साथियों, आज देश भारतीय जनता पार्टी पर जो स्नेह दिखा रहा है, एनडीए पर जो स्नेह दिखा रहा है, उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा ने, एनडीए ने देश के विकास को, लोगों के विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया हुआ है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और हम सभी कार्यकर्ता उस संकल्प से बंधे हुए हैं, हम हर वो काम करेंगे जो देश को आगे ले जाए, हम हर वो फैसला लेंगे जो देश हित में हो, देश के लोगों के हित में हो। साथियों, आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित अपना प्रतिनिधित्व देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझती है, हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझती है और उनके लिए काम कर रही है। आज भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ ही हर क्षेत्र के गौरव को भी उतने ही गर्व के साथ अपने साथ लेकर के चलती है। और इसलिए आज देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो भाजपा है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों की अगर कोई आवाज है तो वो भाजपा है। देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए, देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी गरिमा, उनका गौरव सुनिश्चित करने के लिए जिस पार्टी पर भरोसा किया जा रहा है तो वो भाजपा है। आर्थिक सुधार हो, कृषि सुधार हो या फिर देश की सुरक्षा, शिक्षा की बात हो, नई व्यवस्थाओं की बात हो या फिर किसानों श्रमिकों का हित, ये भाजपा ही है जिस पर देश आज सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये भरोसा भाजपा के लिए, मेरे लिए, आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये भरोसा, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसके लिए लोगों का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा है। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।